नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। अभी पेपर कंप्लीट हुआ है साइंस का एंड मैथ का, तो इसमें साइंस में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के वीडियो में। और ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का 2021 का क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको शाम को वीडियो मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलामाइन जो है इसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ZnCO3, क्योंकि ये कैलामाइन जो है जिंक का ये एक अयस्क है, ठीक है, जिंक का, यानी जिंक जो है वो कैलामाइन से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा 3, और आई होप कि आप लोगों ने सही इसका आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि RBC की जीवन अवधि जो है, यानी लाइफ स्पैन, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, ये कम हो जाता है। जैसा हम जानते हैं कि RBC जो होती हैं वो 20 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं शरीर के अंदर। और यदि हमारे शरीर में RBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करी गई है कि जीवन अवधि यानी लाइफ टाइम उसका कम हो जा रहा है, यानी वो 20 से 120 दिन से पहले ही वो मर जा रही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थैलेसीमिया। तो इसका आंसर होगा थैलेसीमिया, ठीक है। बाकी आई थिंक कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सही कर लिया होगा। और उसके बाद फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कोई पीरियड है, उस पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इसमें क्या होता है। तो धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, या फिर धात्विकता बढ़ती है, या फिर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। ये तीनों इनकरेक्ट हैं। इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जब हम पीरियड में आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारी जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है। इसका मतलब जो बेसिक नेचर है वो घट जाता है। तो इसका आंसर 4 होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि लैमार्क का आधार क्या है, जो लैमार्कवाद है उसका आधार क्या है। तो उसका आधार जाहिर सी बात है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो ऐसे लक्षण जो उपार्जित किए गए हैं, यानी जो डेवलप किए गए हैं फिजिकली भौतिक रूप से, जिन लक्षणों को डेवलप किया गया है, जैसे मान लीजिए जिराफ जो होता है वो अगर अपनी गर्दन को ऊंचा करके पत्तों को खाएगा तो इसका मतलब क्या कि आने वाली पीढ़ियों में गर्दन लंबी हो जाएगी। तो ये किसका था आधार, ये था लैमार्कवाद का। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा सही समीकरण होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, और T मतलब होता है टाइम यानी समय। तो इसका जो सही समीकरण है वो है I=Q/T। तो इस तरीके से हम विद्युत धारा को निकाल सकते हैं अगर हमको आवेश और समय दिया गया है तो। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को सही सही किया होगा। और शाम को आपको इसका जो बहुविकल्पी के अलावा जो बचा हुआ है, जैसे लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी, तो उस पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा शाम को। तो आप लोग ज़रूर उसको देखेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।